Assalamualaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today's Wednesday and today's your English period. जैसे कि students आप सब जानते हैं कि आज हमारा English का period है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि English में जो है आज हम अपने mid term के third chapter की reading करेंगे. सबसे पहले तो आप आ जाएँ अपने contents पे, जहाँ पर हमारे पास जो है list होती है chapters की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था मिड टर्म का माई स्कूल कैफेटेरिया. सेकंड हमने पढ़ा था सैन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब हमारा मिड टर्म का थर्ड जो चैप्टर है वो हमारा है हाफ ब्लैंकेट. तो आप सब अपने पेज नंबर 52 पर आ जाएं. पेज नंबर 52 ओपन कीजिए. आप पेज नंबर 52 ओपन करेंगे हम तो हमारे पास देखिए यूनिट बुक का यूनिट नंबर 9 है, लेकिन हमारे जो है मिड टर्म का थर्ड यूनिट है ये हाफ ब्लैंकेट. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ ब्लैंकेट की मीनिंग क्या होती है. हाफ का मतलब आधा होता है, ब्लैंकेट का मतलब कंबल होता है जो कि हम सर्दियों वगैरह में यूज़ करते हैं ओढ़ने के लिए, यानी हाफ ब्लैंकेट आधा कंबल. अब आप लोग सोच रहे हो कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इस पिक्चर को देखा जाए ये तो जो है एक जो है हमारे पास ऑल जो है मैन की पिक्चर आ रही है. एक जो है यहाँ पर मैन खड़े हुए, एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक घर नुमा है, लेकिन चैप्टर का नाम हाफ़ ब्लैंकेट है, तो इसकी क्या वजह है? यानी कि बहुत अच्छी एक स्टोरी नुमा है. हमारे पास एक चैप्टर आया है जिसमें हमें बहुत अच्छा जो इसका जो लास्ट का हमारा पास मॉरल होगा, मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, वो बहुत अच्छी होगी कि उसके क्या हमें बताया गया इसके बारे में. तो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट आपके पास लिखे हुए होंगे करेक्टर्स, आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे करेक्टर्स लिखा हुआ है, यानी इसमें जो जो करेक्टर्स काम कर रहे हैं उसके मतलब जो वर्क कर रहे हैं, जो तीन हमें लोग नज़र आ रहे हैं, ये कहानी जो है ना वो इन तीन लोगों के दरमियान घूम रही है. तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है. जैसे करेक्टर्स में नाम लिखा हुआ है मिस्टर अली, एक जो नाम है मिस्टर अली का है, और उसके आगे देखें लिखा हुआ है मिस्टर बिलाल, मिस्टर अली सन्स, यानी एक जो है मैंने उसका नाम मिस्टर अली है और एक है मिस्टर बिलाल. अब मिस्टर बिलाल जो है वो मिस्टर अली का बेटा है, ठीक है. और थर्ड बंदा जो है वो थर्ड मैन जो है मिस्टर उमैर है. अब मिस्टर उमैर जो है मिस्टर बिलाल का बेटा है, यानी मिस्टर अली जो है वो यकीनन ये मैन होंगे जो ओल्ड मैन है. मिस्टर बिलाल वो यकीनन ये अंकल आपको जो नज़र आ रहे होंगे वो हैं. अब ये जो है वो इनके बेटे हैं, ठीक है. अब मिस्टर उमैर जो को नज़र आ रही बच्चा ये जो मिस्टर बिलाल का बेटा है, ठीक है. यानी कि ये जो कहानी है हमारे पास वो इन तीन लोगों के दरमियान घूम रही है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना. मिस्टर अली वॉज वेरी ओल्ड व्हेन हिज वाइफ डेड. फॉर मैनी इयर्स ही वर्क हार्ड फॉर हिज फैमिली. ही स्पेंट ऑल हिज मनी ऑन हिज सन बिलाल्स एजुकेशन. One day he was feeling sad and lonely and he thought. मिस्टर अली जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे जब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया. अब बहुत साल तक उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी फैमिली के लिए, और उन्होंने जितने भी पैसे थे वो अपने जो है बेटे बिलाल की एजुकेशन पर खर्च कर दिए. एक दिन जो है वो बहुत ज़्यादा उदास भी हो रहे थे और जो है उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, तो उन्होंने सोचा आई वॉन्ट टू सी माई सन but I know that he is very busy right now. Hope he will come tomorrow. वो चाहते थे कि वो अपने बेटे से मिले, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है, हो सकता है वो कल मुझसे मिलने आए. but his son never come to see him, so he decided to visit him. पर उनका बेटा जो है दूसरे दिन भी ना आया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद जो है विज़िट करेंगे उनके घर. मिस्टर अली रीच देयर, मिस्टर अली जो है वहाँ पहुँचे, कहाँ पर? अपने बेटे के घर. अब आप आ जाए पेज नंबर 53 पर. मिस्टर अली, बाबा व्हाट अ नाइस सरप्राइज. मिस्टर अली ने जब अपने बाबा को देखा तो उसने कहा व्हाट अ नाइस सरप्राइज, ये तो बहुत अच्छा तोहफा उन्हें दिया. मिस्टर अली, यू नो दैट आई डोंट लाइक टू बॉदर यू बट आई वॉज फीलिंग लॉनली एंड आई एम टायर्ड एंड ऑल जो. तुम जानते हो कि मैं जो है वो तुम्हें परेशान करना पसंद नहीं करता, लेकिन जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है खुद को अकेला महसूस कर रहा था और बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी हो चुका हूँ. मिस्टर बिलाल, वी आर हैप्पी दैट यू कम टू सी अस.
यू नो दैट माई होम इज़ योर होम, यू आर ऑलवेज वेलकम हर। मिस्टर बिलाल ने जो कहा कि हम सब बहुत खुश हैं कि आप आए, और मेरा घर जो है वो आपका ही घर है, आप जब चाहें यहाँ पर आ सकते हैं। मिस्टर अली, थैंक यू माई सन, आई नो आई कुल काउंट ऑन यू, कैन आई स्टे हर विथ यू, आई फील सो लॉनली। मिस्टर अली ने अपने बेटे से कहा कि बेटा बहुत शुक्रिया, मैं जानता हूँ कि आप मुझे जो है ना आप पर बहुत ज़्यादा जो मैं आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद कर सकता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ। और जो उन्होंने आगे बताया कि आई कैन आई स्टे हर विथ यू, आई फील सो लॉनली, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मिस्टर बिलाल, डू यू मीन दैट यू वॉन्ट टू स्टे विथ हर विथ अस, आई मीन टू लीव हर। मिस्टर बिलाल ने उसे कहा कि आपका मतलब है कि आप जो है हमारे साथ रहें, यानी आपका मतलब ये कि आप हमारे साथ रहेंगे। श्योर, बट आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू लाइक बीन हर, यू नो दैट माई हाउस इज़ वेरी स्मॉल। उन्होंने अपने फादर को कहा कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, क्यों नहीं ज़रूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ नहीं रह सकें क्योंकि मेरा घर जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। यानी मिस्टर जो है बिलाल ने अपने वालिद साहब से कहा, यानी जो उनके अबू थे उनसे उन्होंने कहा कि मेरा घर बहुत छोटा है कि आप नहीं रह सकते। यानी देखिए कि एक बेटा अपने फादर से कह रहा है कि मेरा घर छोटा है, आप मेरे घर में नहीं रह सकते। मिस्टर अली, लुक सन, इफ़ आई बॉथर यू देन फॉरगेट इट, डोंट वरी अबाउट मी, समवंस एंड माइट हेल्प मी। देखिए मिस्टर अली अपने बेटे को कह रहे हैं कि देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको परेशान करूँ तो ये भूल जाओ मेरे बारे में कि मैं आपको परेशान करूँगा, फिक्र नहीं करो, मेरी कोई और मदद कर सकता है। मिस्टर बिलाल, नो फादर इज़ नॉट दैट, इफ़ इज जस्ट दैट आई डोंट नो वेयर यू विल स्लीप, एवरीबडी हर हैज़ इज ऑन रूम, विल यू माइंड स्लीपिंग इन द गार्डन। मिस्टर बिलाल अपने फादर को कहता है कि फादर कोई ऐसी बात नहीं है, बस मुझे ये कि आप सोएंगे कहाँ पर, क्योंकि जो है हमारे घर में सबका जो है अलग अलग रूम है, अगर आप जो है बुरा ना मारें, माइंड ना करें, तो क्या आप जो है गार्डन में सो जाएंगे। यही देखिए एक बेटा अपने बेटे को कह रहा है कि मेरे घर में सोने की जगह नहीं है, लेकिन उनके घर में जितने भी अफराद हैं सबके लिए अलग अलग रूम तो हैं, लेकिन उसके फादर के लिए जगह नहीं है, और वो अपने फादर को ये कह रहा है कि क्या हम आप जो है गार्डन में सो जाएंगे। मिस्टर अली, इन द गार्डन, दैट्स फाइन विथ मी। मिस्टर अली इनसे मतलब क्वेश्चन एक चौंक के पूछ रहे हैं, इन द गार्डन, यानी गार्डन जो है ना बागीचा होता है जो कुछ घरों में जो है घर के बाहर थोड़ा सा बना हुआ होता है। मिस्टर अली एकदम से कहते हैं चौंक कि इन द गार्डन, गार्डन में। फिर उन्होंने कहा डैस फाइन विथ मी, उन्होंने कहा चलिए ठीक है। मिस्टर बिलाल कॉल हीज 12 ईयर ओल्ड सन उमैर, डिड यू कॉल मी डैड। मिस्टर अली ने जो है अपने बेटे को उमैर को बुलाया जो कि 12 साल का है, डिड यू कॉल मी डैड, उसने कहा कि अब पापा आपने मुझे बुलाया। मिस्टर बिलाल, लुक सन, योर ग्रैंडफादर इज ट्रेइंग टू लीव हर विथ अस, ब्रिंग हिम अ ब्लैंकेट। मिस्टर अली ने जो अपने बेटे को बताया कि देखें ये आपके ग्रैंडफादर यानी कि दादा अबू हैं और ये हमारे साथ रहेंगे, आप जो हैं एक ब्लैंकेट ले आओ। अब देखें ब्लैंकेट की बात आई है, हमारा चैप्टर का नाम भी हाफ ब्लैंकेट है, यानी कि इस जो है स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आएगा। तो आज का जो हमारी जो थी रीडिंग वो पेज नंबर 52 एंड 53 तक की थी। 53 के बाद जो हमारा पेज नंबर है वो है 54 एंड 55। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अपकमिंग क्लास होगी, उसमें जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे इस कहानी में ऐसा क्या ट्विस्ट आया कि यानी आगे जाके क्या होता है, यानी आगे जाके मिस्टर बिलाल और उनका जो बेटा अभी इस कहानी में आया है, तो मिस्टर बिलाल और जो उमैर उनका बेटा है वो उन्हें क्या करेगा और किस तरीके से वो ब्लैंकेट लेकर आएगा, और इस चैप्टर का नाम हाफ ब्लैंकेट क्यों है वो हमें अब पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर हाफ ब्लैंकेट में क्या स्टोरी हमें बताई गई है। आपकी आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का जो वर्क है वो आपको जो है पीडीएफ के थ्रू सेंड किया जाएगा, जिसमें आपको जो है चैप्टर का टाइटल बनाना है कॉपी में हाफ ब्लैंकेट का, और हाफ ब्लैंकेट की वन पेज राइटिंग करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स और जो वर्ड्स मीनिंग है वो आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।